हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट्स इन्फो के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए फेसबुक से जुड़े 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट लाए हैं जिसको आप जानकर होने वाले हैं हैरान। चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए आए तो मेक श्योर हमें सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों फेसबुक का पहला नाम था फेस मैश। अब दोस्तों फेसबुक तो आपने सुना होगा, लेकिन फेस मैश एक ऐसा वेबसाइट हुआ करता था जहां पर आपको दो लोगों का चेहरा कंपेयर करना होता था और जो आपको अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट कर लेते थे। दोस्तों इस नाम की वजह से फेस मैश जो था, इसकी वजह से काफी ज्यादा इन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जिसके से इनका सेकेंड नाम रखा गया फैक्ट नंबर 2, जिसका नाम था द फेसबुक। अब द फेसबुक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही था जो फेसबुक का है आज के डेट में, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ही सीमित था। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर बच्चे आपस में नहीं मिल पाते थे, तो यहाँ पर हार्वर्ड के स्टूडेंट जो मार्क जुकरबर्ग थे उन्होंने यहाँ पर द फेसबुक बनाया, जिसमें यहाँ पर जो बच्चे हैं आपस में चैट, टॉक या फिर फोटो शेयरिंग कर सकें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों फेसबुक एक चोरी का आइडिया था। ऐसा मैं नहीं, 3 लोग कहते थे 2006 में, जिनका नाम था दिव्या नरेंद्र, कैमरॉन विंकलेवेस और टाइलर विंकलोवस। दोस्तों इन तीनों ने इल्जाम लगाया था कि जो फेसबुक था ये चारों का आइडिया था मार्क जुकरबर्ग को इंक्लूड करके, लेकिन इनका कहना था कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का यहाँ पर आइडिया कॉन्सेप्ट उनसे चोरी करके कल्ले से बनवा लिया, तो इसके वजह से इन्हें सेटलमेंट के तौर पे $65 मिलियन भरना पड़ा। मार्क जुकरबर्ग को इन तीनों को देना पड़ा, तब जाके सेटलमेंट हुआ और बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स हुए फेसबुक की वजह से, जो कि अब क्लियर हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों फेसबुक दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर थर्ड मोस्ट वेबसाइट है। अगर हम बात करें टॉप 2 की तो वो फेसबुक और गूगल और यूट्यूब है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों दुनिया भर में जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करती हैं। अब इसका मुख्य कारण भारत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फेक आईडीज काफी ज्यादा है, जैसे कि एंजल प्रिया और एंजल प्रियंका। तो यहाँ पर जो फेक आईडीज होती है इनको से माना जाता है कि फेसबुक पे काफी ज्यादा यूजर एज अ गर्ल है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, क्योंकि यार हम इंडियंस जानते हैं कितने फेक आईडी तुम लोग बना के रखे होगे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आज की डेट में फेसबुक एक मॉडर्न ऐप है, लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम सिचुएशन की बात कर लें तो हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, हमारे दादा दादी या पापा मम्मी, उन लोगों को फेसबुक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, और जो ओल्डर जनरेशन है वो फेसबुक की तरफ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो यहाँ पर यूजर कह रहे हैं तो ओल्डर जनरेशन के फेसबुक यूजर्स में ज्यादा बढ़ रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपको क्या मालूम है, फेसबुक में सिर्फ ऐसे हाफ यूजर्स होते हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश बोलने आता है, मतलब कि आधी जो इनकी यूजर है इन्हें इंग्लिश बोलना आती नहीं है। इसीलिए फेसबुक ने अभी हाल ही पिछले कुछ सालों में ट्रांसलेटर का ऑप्शन ऐड किया, जैसे कि अगर जो लोग अपनी भाषा में लिखने चाहें फिर उसे अगर अदर लैंग्वेज वाले भी देखना चाहें तो उसे डायरेक्ट ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। तो ये काफी सुविधाजनक फीचर है और फेसबुक ने इसे बहुत सही समय पर इंप्लीमेंट किया, तो तारीफ तो बनती है। फैक्ट नंबर 8 की दोस्तों बात कर लें, दोस्तों 88% जो पीपल बनाते हैं फेसबुक पे अकाउंट वो सिर्फ स्टे करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि आज की दुनिया में हम हर किसी से नहीं मिल सकते, अपने घर पे रह के सब इतने काम में व्यस्त है। तो अगर आपके पास फेसबुक है तो कम से कम आपको किसी का बर्थडे मालूम चल जाता है, किसी से आपको हाय हेलो करना है तो आप घर बैठे कर सकते हो। तो इसलिए 88% जो लोग होते हैं यहाँ पर फेसबुक से जुड़ते हैं आप फोटोज वगैरह शेयरिंग करने के लिए। दोस्तों यही था फेसबुक से जुड़े 8 इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी ऐसे फैक्ट्स वाले वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए द फैक्ट्स इन्फो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द फैक्ट्स इन्फो।